शहर में गुरुवार को एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने दोपहर में दुकानों का निरीक्षण किया और बिना मास्क के दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। कई दुकानों को 7 दिवस के लिए सील करने के आदेश भी दिए गए। इसी के तहत एसडीएम ने बुधवार को भी 5 दुकानों को सील भी किया। कोरोना की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानदारों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। क्राइसिस कमेटी की बैठक में एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने साफ बता दिया था कि सभी सदस्य अपने अपने समुदाय व प्रभावशील क्षेत्रों में जाकर बताएं कि अब सख्ती का दौर प्रारंभ हो गया है, इसलिए मास्क के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखें। साथ ही जिस दुकान का कोई भी सदस्य संक्रमित पॉजिटिव आया तो इस दुकान को 7 दिनों तक के लिए बंद रखा जाएगा, पॉजिटिव चाहे दुकान मालिक हो या कर्मचारी। गुरुवार को एसडीएम सत्येंद्र सिंह, एसडीओपी रोहित सिंह, सीएमओ प्रियंका पटेल, टीआई वास्कले ने दल बल सहित दुकानों का निरीक्षण किया और लापरवाही बरत रहे दुकानदारों पर कार्रवाई की। अफसरों की टीम ने बस स्टैंड से लेकर बिस्टान रोड नाका क्षेत्र सहित कई इलाकों में कोरोना के मद्देनजर जुर्माना और दुकानों को सील करने की कार्रवाई भी की। केवल मास्क को लेकर ही कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे प्रदेश में कोरोना की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जो प्रदेश के 7 जिले हैं जो हॉटस्पॉट में चिन्हित किए गए हैं उसमें अपना खरगोन महाराष्ट्र की बॉर्डर की सीमा लगी हुई है, वो ट्रैवलिंग के हिस्से ज़्यादा इसमें मिल रही है। दूसरा, हमारे जो खास करके जो बाहर के लोग आते हैं, तमाम होटलों को बैठ के खाना खाते हैं, उससे भी संक्रमण फैल रहा है। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट में कलेक्टर महोदय और एस पी साहब ने सख्त निर्देश दिए थे कि शहर में जहाँ भी ये सारे विषय हम लोगों ने धारा 144 में कवर किया है कि जितने भी होटल वाले हैं वो होटल तो खुला रहेगा लेकिन जब भी कोई खाने आए तो उसको समझाइए कि हम बैठा के आपको नहीं खिला सकते, जिसके लिए आपको पार्सल ले जाना पड़ेगा। तो पार्सल की सुविधा रखी गई है। आज हम लोगों ने बस स्टैंड के पास में देखा कि लगभग जितने भी भोजनालय थे उसमें सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे और हम लोगों ने फौरन उसमें कार्रवाई करी। जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट में जो निर्णय लिया गया था कि ऐसी दुकानों को तत्काल बंद कर दिया जाए, ऐसी दुकानों को हम लोगों ने सील्ड कर दिया 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह के बाद खोला जाएगा और उसके बाद भी अगर उल्लंघन करते हैं और कोरोना की संख्या, मरीजों की संख्या अगर निरंतर बढ़ी रही तो ऐसी हम लोग सख्ती करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखी है। अक्सर समझाइश देने के बाद नगर पालिका के द्वारा निरंतर मुनादी कराने के बाद भी लोग बिना मास्क के बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि दुकानदार जिसको खुद मास्क पहन के बैठना चाहिए वो भी मास्क नहीं पहना, तो ऐसे लोगों से हमने 1,000 रुपये के जुर्माना किए हैं। और आम पब्लिक को, जो मोटरसाइकिल पब्लिक जो शहर में घूम रही है, जो बाज़ारों में जा रही है, उससे भी आपके माध्यम से हम अनुरोध करते हैं प्रशासन की तरफ से कि आप जब भी बाहर रहें आप मास्क पहने और बिना मास्क का दुकान के पास पड़े। क्राइसिस मैनेजमेंट में जो निर्णय लिया गया उसके तहत वो शहर के जो हॉटस्पॉट है, खास करके वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर 9 है, 4 है, 1 नंबर भी है और यहाँ जो 29 भी है, 20 भी है, ऐसे एरिया में जो कमर्शियल हमारी दुकानें हैं वहाँ हम करीब 500 दुकानदारों की सैम्पलिंग भी करा रहे हैं RAT के माध्यम से। और उसमें जो पॉजिटिव निकल रही है दुकान, वो दुकान को हम तत्काल सील कर रहे हैं, उनके परिवार को, लोगों को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। और जो होम क्वारंटाइन करने के बाद में हम जो कोरोना की जो दवाई है, जो उसका गाइडलाइन है, उसके हिसाब से उनको समझाइश दे रहे हैं कि घर में रहें और उनसे डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा रहे कि जो 7 दिन की अवधि आपको क्वारंटाइन के लिए दी है उस पीरियड में आप बाज़ार में ना जाएँ, नहीं तो आपके कारण से संक्रमण की संख्या बढ़ेगी। अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। निमार मोटर्स पर भी कार्रवाई हुई है। हमारी कार्रवाई में हम कोई लेवल नहीं देख के चलते कि कौन आदमी है और कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा आदमी है। अगर नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। बुधवार से ही प्रशासन ने लिए गए फैसलों को अमल में लाते हुए 5 दुकानों को सील भी किया है, इसलिए सजग रहें। कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी हम सबकी है। डिजियाना न्यूज़, निमार रिपोर्ट, खरगोन।